लेकिन इससे पहले के बात को आगे बढ़ाया जाए, यानी आज के मौजू को आगे बढ़ाया जाए, कल और परसों जो बात हो रही थी जरा सा उसे भी एक मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। और वो ये कि अल्लाह का रसूल भी किसी की मदद का मोहताज नहीं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने अपनी नबुवत और रिसालत, नबुवत तो नहीं रिसालत, और तबलीग का काम अंजाम दिया उस वक्त के माशरे जितने अपराध थे उनमें से हर हर तबके का एक नुमाइंदा लेकर। परसों रात इस पे बात खत्म हुई और कल की मजलिस में फिर शहजादी ज़ैनब कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा की वफात की रात की वजह से खाली औरतों के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन अब एक मतलब फिर के तन तन्हा तबलीग का फरीजा अंजाम देना रिसालत के लिए मुमकिन भी है, इमामत के लिए मुमकिन भी, लेकिन जैसा कि कल की मजलिस का पहला जुमला था, इस्लाम चाहता यह है कि पूरा माशरा, पूरा समाज, पूरी कम्युनिटी वो सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाए। और इसमें छोटी सी बात अभी कह दूं जो आगे की किसी मजलिस का पूरा अनुमान बन सकती है कि जैसे आजकल हमारे यहां यह समझ लिया गया कि ये तबलीग का जो सारा काम है ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी, हमारा कोई फरीजा नहीं, ये भी वो लोग जो समझदार है। मसलन अगर हम शादी की तफरी में गए और वहां मिक्स गैदरिंग हो रही है तो हमारी क्या जिम्मेदारी, हाँ आलिम का फरीजा है कि वो इसके खिलाफ बोले। ये मैंने कहा ये वाली बात भी हर आदमी नहीं कहे, तो ऐसे लोग भी होंगे कहेंगे कि आलिम को भी नहीं बोलना चाहिए, इसमें हरज ही क्या है, कबाहत ही क्या है, जमाने के साथ चलना है, कुएं के मेंढक बन के थोड़ी जिंदगी गुजारना, उस तबके की बात ही नहीं हो रही। ना वो हमारी मजलिस में आएगा, ना वो हमारा नाम सुनना बर्दाश्त करेगा, लेकिन जिन लोगों के पास दीन की और वैल्यूज की अहमियत है उनके एतबार से भी यह सारा काम मसलन उलमाए दीन के करने का, या जो असल में मैंने कहा कि एक मजलिस बाद में हो सकती है, या यह कि यह सारा काम मराजे के करने का, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हमारे सामने और हम कहते हैं कि मर्जी की जानिब से कोई बात आए, कोई इंस्ट्रक्शन आए, वो कुछ कहें तो फिर मसला हल होगा। अब ये ख्याली बुनियादी एतबार से गलत है, लेकिन तीन बार मैं ये बात कह चुका हूं इस मुख्तसर सी मजलिस कि इस पर तफसीली बात बाद में की जाए, लेकिन इसको मैं मिला रहा हूं इस बात से कि मर्जे बेचारा भी गैर मासूम इंसान और हमारी और आपकी तरह का, उसकी भी अपनी कैपेसिटी होती है, एक हद तक होती है, उससे ज्यादा नहीं, रिसालत और इमामत वो तो हमारी और आपकी तरह नहीं, ना रसूल हम जैसे हैं ना इमाम हम जैसे हैं, वो तो तन तना और फरीजे को अंजाम दे सकते हैं और यहां साबित करना पड़ा तो तन तना ही और फरीजे को अंजाम दिया, जैसे परसों रात के मजलिस में खैबर के हवाले से मैंने बात की। लेकिन फिर भी आप देखिएगा क्या ऐसा नहीं, बल्कि कोशिश यही की गई और इस कोशिश के हवाले से करबला की तारीख का एक जुमला पेश करूं और फिर मैं जो बात आज की मजलिस के शुरू में कहना चाह रहा हूं वाज़ेह करूं। चौथा इमाम जब शाम की मस्जिद में खुतबा देता तारीख आलम का या वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत अहम खुतबा है, वो खुतबे के हालात, खुतबे का माहौल, मुखालिफ मजमा, वो सारी बातें अपनी जगह, उसके ऊपर इस वक्त बात नहीं करना है। तो एक जुमला पहले इमाम ने इरशाद फरमाया था, यजीद के खतीब को जो कहना था उसने तो कह दिया, जुमे की नमाज है, यजीद के फजाइल बयान किए जा रहे हैं और हुसैन ही नहीं बल्कि हुसैन के बाबा को भी, बागी इब्ने बागी का तस्किरा करके हुसैन और हुसैन के बाबा इसी अंदाज से जिक्र किया गया जैसे ज़ियारत वारिसा में, हम खाली अक्का हुसैन को याद नहीं करते, या सार अल्लाह है,
वो अब नशा ले आका हुसैन आपके खून का बदला भी अभी बाकी अल्लाह के लिए और आपके बाबा के खून का बदला भी अभी बाकी। तो यहां भी यही तरीका है कि भाई जब कभी तस्किरा हुसैन का होगा हुसैन के बाबा को याद कर। और वहां भी वही तरीका जब जुल्म हुसैन पे किया गया तो हुसैन के बाबा का जिक्र जरूर किया गया। खैर तो बात फैल रही है कि खतीब ने अपनी बात कही और इसके बाद आका सज्जाद खड़े पूरी मस्जिद यजीदियों से भरी हुई यानी इन मानों में यजीद कि उन्हें यजीद को ये यकीन है काबिल ये मजमा इतना मेरे फेवर वाला है कि मैं एक कैदी को नमाज जुमा पढ़ाने के लिए ला रहा हूं और उसके गले का टॉप भी नहीं काटूंगा हाथ की हथकड़ी भी नहीं खोलूंगा पांव की बेड़ी भी नहीं उतारूंगा अब मस्जिद में लाके बिठा दूंगा कि एक नमाजी खड़े होकर न ये इजाज करेगा न ये सवाल करेगा क्या यजीद कम अज कम नमाज के मौके पर एहतराम है मस्जिद में तो इस कैदी की हथकड़ी या बेड़ी को खोल दो इतना यकीन है कि जो मैं करूं करूं। और उस मजमे आका सज्जाद ने बदला अब एक जुमला मैं कहता हूं यह बड़ा सेंसिटिव बन जाए और हो सकता है कि ना समझ लोग या मुखालिफीन इसे इस मफहूम में लेकर कि नऊज़ु बिल्लाह आजादारी या गिरिये की मुखालिफत की जा रही है ना ऐसा कोई मकसद है ना ऐसा कोई नजरिया है ना ऐसी कोई बात लेकिन सिर्फ ये बताना कि सज्जाद के खुतबे में मस्जिद में सज्जाद के खुतबे की वजह से मस्जिद में कोहराम बफा हो गया ऐसा गिरिया हुआ ऐसा गिरिया हुआ। लेकिन उस गिरिये के बाद क्या हुआ ये दो गिरी ऐसे हैं जिसको याद रखिएगा बुका मातम और एक तरह से मैं ये कह दूं तो शायद गलत भी ना होगा कि ये दोनों मातम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मजलूमियत की बिना पे एक असगर के मौके पे करबला में और ये यजीदी का मुंह फेर फेर के होगा और सिर्फ असगर की मजलूमियत की बिना पे और एक शाम की मस्जिद में सज्जाद का ये खुतबा मगर दोनों मातम ऐसे कि आंसू बहाए गिरिया किया जार पकार रोए उसके बाद आगे कुछ साहिबान ईमान से जरा तकाजा होगा मैं जुमला पतन ना कह रहा हूं ना ये मेरा नजरिया कि नऊज़ु बिल्लाह गिरिया के साथ अगर कोई अमानी कदम ना हो तो गिरिया बेकार बेकार नहीं हर गिरिया अपनी जगह एक अहमियत रखता लेकिन साहिब ईमान का गिरिया जरा सा एक मंजिल आगे तक जाना चाहिए अभी इतनी सी बात फिर इंशाल्लाह आखिर आखिर मजलिसों में जरा सी वजाहत होगी यानी ये जुमले को मैं नहीं मानता कि गिरिया किसी मकसद से होना चाहिए गिरिया खुद एक मकसद और उसके बाद फिर इस मकसद को मजीद आगे बढ़ाना ये मेरा पैगाम था। मैंने इतनी वजाहत इसलिए कर ली कि आजकल व्हाट्सएप की दुनिया फेसबुक की दुनिया यूट्यूब की दुनिया और बेहतरीन सॉफ्टवेयर की दुनिया है कि जहां पे आप कह कुछ रहे हैं आवाज कुछ और सुनाई दे आपके होंठ किसी और तरह हिल रहे हैं सुनने वाले को लगेगा कि कुछ और कहा जा रहा है। आजकल तो कितना आसान है आवाज का बदलना गहरे का बदलना अल्फाज का बदलना उसमें सही बात को भी गलत कर दिया जाता है तो अगर कोई ऐसा जुमला हो जिसमें गलती का कोई इम्कान मौजूद हो तो वहां तो बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ती है लेकिन फिर कहने वाले कहें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो आज इतना वक्त भी इसलिए ले लिया कि बड़े बैड एक्सपीरियंस हुए हैं व्हाट्सएप के क्लिप और यूट्यूब के क्लिप्स के हवाले से। वापिस आइए सरदार के सज्जा खड़े होते यजीद का खतीब पूरे मजमे को जोश दिला चुका है यजीदियत की हिमायत में और फिर मेरा मौला सज्जाद खड़ा हुआ यजीद से एक जुमला कहा क्या यजीद तेरे खतीब को जो कहना था उसने कह दिया। अच्छा खुद खतीब से भी आपका सज्जाद ने एक बात कही लेकिन फिर तो आज का मौजू बदलता 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 पता नहीं कहां चला जाए बहुत अहम जुमला और यही जुमला जो उस खतीब से कहा यही जुमला सियारत अरबईन में आप लोगों ने कहा एक हफ्ता भी तो नहीं हुआ अरबईन की जियारत को पड़े हुए जहां पे वो जुमला आया जो मेरे इस अशरे का असल मौजूद
अल्लाह के बंदों को जिहादत से निकाला और गुमराही से महफूज किया, इसके फौरन बाद का जुमला बहुत है। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, उसका जवाब आज नहीं दूंगा, दूंगा जरूर इंशाल्लाह, ऐसा वादा भी नहीं करता, तकब्बुर का अंदाज आ जाए, लेकिन सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, वो कौन शख्स है जो मौला की मोहब्बत में इतना दीवाना था कि जंग अहमान के मौके पर जब खारजियों से लड़ाई हुई, आज का आईसेल का जद अमजद खारजी, जब ये खारजियों से लड़ाई, आलम इस्लाम का वाहिद फिरका है वाहिद जो मौला को काफिर और वाजिबुल कद्र समझता, ये दो लोग काफिर और वाजिबुल कद्र, अली के दुश्मन बहुत है आलम इस्लाम, लेकिन और किसी फिरके में हिम्मत नहीं हुई ये फतवा देने, ये वाहिद फिरका, और मौला खारजियों को कत्ल नहीं करना चाह रहे थे, अब मौला की मोहब्बत का दीवाना, या मेरा मोमिनीन, मैं एक लम्हे के लिए इनके वजूद को बर्दाश्त नहीं करता हूं, आप कहेंगे न कहें मैं हर एक को कत्ल करूंगा जो आपके खिलाफ जबान खोल रहा, उसका जोश देखिए तारीख, और वही शख्स सेम पर्सनैलिटी कर्बला में आका हुसैन के खिलाफ यजीद की फौज की क़यादत कर रहा, और हुसैन पर सबसे पहले तीर चलाने वालों ने उसका नाम, और ये सिर्फ 20 साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आई, इतना मोहित कि अली से ज्यादा अली की वजीलत का इकरार कर रहा है कि मैं खारजियों को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं, कौन है जरा सोचिए गौर कीजिए, इसका जवाब जहन में लेके आइए, बच्चे होते तो मैं उनसे कहता कि गूगल में सर्च करके बताइए और फिर मैं बात करूंगा, क्यों ये मेरे मौजू से बराह रास्त मुतालक बात, ये वाला जुमला वो क्या मौजू है जो मैं खाली मुभम मुभम गोल गोल बातें कर रहा हूं, आई नहीं रहा उसके ऊपर बस में आ गया, लेकिन ये जुमला ये वाकया पूरा करके कि चौथे इमाम यजीद से कहा कि तेरे खतीब को जो कहना था उसने कह दिया, खतीब कौन, जियारत के अरबईन का ही जुमला जाके देख लीजिएगा, अभी तो आपने जियारत पढ़ी है, अब मुझे भी कुछ कहने की इजाजत, सवाल ये पैदा होता है कि इस मिंबर पर यजीद से ताल्लुक क्या, क्या आप सज्जाद यजीद से इजाजत ले रहे, इस उस मस्जिद का यजीद से ताल्लुक क्या कि वहां तकरीर करने के लिए आका सज्जाद यजीद से इजाजत ले रहे, इजाजत दी जाती है किसी की पर्सनल या प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर आप दाखिल हो रहे, इमाम भी होगा तो इजाजत देगा, अगर कुरान करीम ने कह दिया कि नबी और इमाम को इजाजत की जरूरत नहीं है, नबी और इमाम हर मोमिन पर उसके जान से ज्यादा हक रखता, नबी और इमाम को इजाजत नहीं है वो हमारे घर में आना चाहे तो फोर्स एंट्री कर सकते हैं, कुरान ने मिसाल दी और ऐसे सूरे में मिसाल दी जो आशूर के दिन पढ़ा जाता है सूरह अहज़ाब, अल्लाह के रसूल अपनी कजिन की शादी भी कराई और अपनी कजिन को तलाक भी दिलवाई, शादी हो के तलाक, इसके अंदर इजाजत बहुत अहम एक फैक्टर होता, अब जुमला ये कहा जाता है कि निकाह लड़की की इजाजत से होता है तलाक लड़के की, लेकिन ये सारी बहसें मंडे और ट्यूजडे की दो मजलिसें से लोग बहुत कम आते हैं, उनकी मजबूरियां भी मुझे पता होती हैं तो उसमें सारी बातें छेड़ना नहीं है, लेकिन बताइए रहा हूं कि नबी को हक हासिल जबरदस्ती निकाह करवाने का भी जबरदस्ती तलाक दिलवाने का भी, तो उसके मुकाबले में तो बहुत छोटी बात है किसी के घर में दाखिल होना, मगर इख्तियार को है ये अलग बात, अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते, यजीद कहां से आ गया कि उससे पूछा जा रहा, मस्जिद अल्लाह का घर, मेंबर इस्लाम की प्रॉपर्टी और उसे इजाजत मांगी जा रही, और वो भी आका सज्जाद इमाम वक्त अपने जमाने का वली, और इजाजत मांग रहा है जालिम इब्ने जालिम से, लईन इब्ने लईन से, क्यों आखिर, और अगर इजाजत इजाजत की नीयत से मांगी हो, अगर मकसद यही था कि कोई कहे कि नहीं इजाजत तो जरूरी है, हम तो खुद ये कहते कि देखिए सज्जाद ने भी यजीद को हुक्मरान मान ली, इजाजत अब यहां पर रोक की जो बात मैंने कही है, हाजी अली अब अफगानी का वाकया पढ़ लीजिए, वहां भी यही वाकया आ रहा है ना कि जब इमाम जमाना हाजी अली बख्तादी के साथ
शॉर्टेस्ट जो रास्ता था काजमहल जाने का, उसमें चलने लगे तो हाजी अली बगदादी घबरा गए। उनको नहीं पता था कि इमाम है, लेकिन घबरा गए, कहा कि आपके रास्ते पे क्यों जा रहे हैं, आप तो बड़े मुकद्दस इंसान। इमाम ने सवाल किया ना कि क्या है, कहा नहीं, जो पूरा बगदाद जानता है कि ये फुला मोमिन की प्रॉपर्टी थी, हुकूमत ने सड़क बनाने के लिए इसके जबरदस्ती कब्जा कर लिया और ये सड़क इसके ऊपर निकाली है बगैर मालिक की इजाजत के। आदमी हर मुश्तहिद की किताब में मसला मिलता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मसला है, किसी के मकान में कब्जा करना पड़ता है ताकि रास्ते बनाए जाए, हत्ता ये कि बाज़ औक़ात मस्जिद को तोड़ना पड़ता है ताकि रास्ते बनाए जाए, उसका क्या शरई मसला है। ये उस वाकये में है ना कि हाजी अली बगदादी को ये नहीं पता कि ये इमाम है जो मेरे साथ है, ये जरूर मालूम है कि बहुत ही बड़े आलिम और मुकद्दस इंसान। कहा कि बगदाद के आम शिया भी इस सड़क पे नहीं चलते, मोमिन की प्रॉपर्टी और मोमिन भी यतीम सैयद, यतीम सैयद तो खुद भी इजाजत नहीं दे सकता किसी को, खुद भी इजाजत नहीं दे सकता। खैर अभी तो बात से निकल के मैं कहा जा रहा हूं, तो इमाम ने क्या कहा, इमाम ने कहा हमें इजाजत की जरूरत नहीं है, हम उसके वली हैं। आगे आगे समझे ही नहीं कि क्या मतलब इस जुमले, सोचा कि शायद किसी रिश्ते से ये उस सैयद के रिश्तेदार बन के वली होंगे, वही हक इमामत। और इसी मसले से हाजी अली के इस वाकये से भी आज के महाराजे ने फतवा दिया ऐसी सड़कों पे गाड़ी चलाने का, ऐसी सड़कों से गुजरने का। और खाली इतना मसला नहीं है, मुझे याद तो यकीन है कि यहां आज अभी तक कोई मस्जिद तोड़ के कोई हाईवे नहीं बनाई गई हो, लेकिन इंडिया में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में कितनी ऐसी सड़कें, तो मसला खाली इजाजत का भी नहीं होता। अगर वहां मस्जिद थी और कोई आदमी में गुस्ल वाजिब है, कोई औरत नजासत के आलम में है, क्या वो गाड़ी में वहां से गुजर सकती है, ये मसलों से मसले निकलते हैं। इस्लाम बहुत कंप्लीट किस्म का रिलीजन है। बात नबी और इमाम का हक, यजीद कौन है कि उससे पूछा जाए, मगर आका ने पूछा। अब इस जुमले से कोई ये नतीजा निकाल सकता है दुश्मन कि इसका मतलब यह है कि आका सज्जाद ने यजीद को बाइख्तियार हुक्मरान मान लिया, तो चले अगर इजाजत इजाजत के नियत से ली गई तो क्या आका ने इजाजत का इंतजार किया कि जवाब क्या आता, इंतजार किया कि इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती। जब यजीद ने यस कहा तब मिंबर पे गए, जी ने पूछा भी यजीद और उसका जवाब मिले बगैर खुद ही मिंबर पे गए और खुतबा शुरू कर दिया। तो कोई ना कोई वाकये में पूछते ही नहीं, पूछने का मतलब यह है कि बजाहिर यजीद का एक स्टेटस नजर आ रहा है कि वो हुक्मरान, मस्जिद का कंट्रोल उसके हाथ में, उसकी इजाजत जरूरी, तो फिर इजाजत ली क्यों नहीं। सिर्फ इसी बीच इन दो के बीच में जुमला और आका सज्जाद ने यजीद से सवाल किया, पहला जुमला। और तीसरा जुमला यह है कि उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मिंबर पे तशरीफ ले। इन दो के बीच का जुमला है जो दो दिन से मेरी मजालिस का उन्वान बन रहा, दो दिन से इसी पे बात कर रहा हूं। आज एक हद तक बात को पहुंचा के फिर सूरह तौबा की आयत पे आता हूं। बीच का जुमला है, बीच का जुमला यह है कि यजीद, पहले जुमले का नतीजा यजीद ने आका सज्जाद की इजाजत का सवाल सुना, यजीद अब मुझे इजाजत है कि मैं जाऊं, और हेजिटेशन, क्या जवाब, मजमा खुद, पूरा मजमा, पूरी मस्जिद वो खुद इन्वॉल्व हो गई, लोगों ने बाराज मलन कहा कि हाँ हाँ आए हुक्मरान, हम इसको भी सुनना चाहते हैं। और ये भी याद रखिए, अगर कभी मैं कहो हाथों में अंतरी पाओ की बेड़ी ना होती तो मजमा कभी ये बात नहीं कहता। एक मजमे सैकड़ों आदमी बैठे, हर आदमी खड़ा होकर कहे कि मैं तकरीर करना चाहता हूं, बाकी लोग बल्कि कहे कि बिठाओ नमाज में देर हो रही है, वक्त नहीं है हमारे पास। सज्जाद की हालत उस वक्त ऐसी थी कि ये नमाजी मस्जिद में आया, गले में तौक है, हथकड़ी है, बेड़ी है, और ये तकरीर की इजाजत चाह रहा। मजमा खुद सज्जाद की यह हालत देखकर इस तरह से मौल हुआ कि हाँ हम इसे भी सुनना चाहते, पहली क्या कह रहा। यजीद का ये अमल कि हथकड़ी और बेड़ी समेत नमाजी को लाया जाए तौहीन इमामत की नियत से था, मगर इमाम मासूम ने तौहीन के अमल को तबलीग का जरिया बना दिया, उसी हालत में सवाल किया, मजमा इन्वॉल्व हो गए। अब जब सारे मुखने ने कहा हमें सुनना,
तब सज्जाद मेंबर पे गए, यजीद के जवाब का इंतजार नहीं किया, क्योंकि मसला यजीद से इजाजत का नहीं था, मसला था कि तबलीग के काम में, दीन के काम में सारे मजमे को इन्वॉल्व करना पड़ता है, उसके लिए अलग अलग तरीका इख्तियार किया जाएगा, मगर करबला मसाइब को, मगर करबला यजीदियों के मजालिम को एक जरिया बना दिया कि मजमा खुद इन्वॉल्व हो कि हमें इसकी तकलीफ सुनना। तो ये वो मंजिल है कि नबी हो कि इमाम हो, वो तनतन्हा भी दीन का हर काम कर सकते हैं, लेकिन तआवुन चाहिए, मोहताजी की वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से कि इस्लाम का मिजाज ये तरीका है, कोई काम करना है लोगों में, अगर लोग इन्वॉल्व ना हो तो काम का फायदा नहीं है। जैसे उर्दू का मुहावरा है, सहरा में अजान देना या कुछ सुनने वाला ही ना हो, सहरा और जंगल में अजान नहीं देना, बस्तियों में अजान देना। अब ये वाला मसला जो है ना, अब कहना मैं क्या जा रहा हूं, आखिरी जुमला जुमला नहीं आखिरी नुक्ता इस हवाले से, फिर रसूल कि मैंने पैगंबर के बारे में कहा सबको लेके साथ चले, मैंने करबला के हवाले से कहा इस सिलसिले के आखिरी कड़ी जमाने की मां सवाल होता, एक सवाल ये होता मौला कब आएंगे, अच्छा एक तो ये सवाल होता है कि मौला कब आए, पूरा सिलसिला किस्मतों का हर रसूलुल्लाह की तबीर से इमाम जमाना का जो दरमियानी कड़ी करबला थी, लेकिन रसूल का तरीका कार और इमाम, बल्कि अब यहां पर तजीज भी सुन ली, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी तारीख तशय्यो के अजीम तरीन उलमा में से एक, यानी ये कहा जाता कि शियत को जितना फैलाया ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, पूरी तारीख में एक अकेला आदमी ऐसा रोल नजर नहीं आया, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी टाइटल इनका है बहुत, मगर ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी अच्छा कब्जा हो गया, कब्जा हो गया ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, हमारी तारीख के इतने अजीम आलिम उन पर कब्जा कर लिया, शश इमामी इस्माइली हो, अभी अभी लंदन में अंग्रेजी जबान में किताब मैंने देखी, अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं लेकिन इतना तो अंदाजा हो गया किताब का प्रीफेस और इंट्रोडक्शन पढ़ ले कि हमारा इतना बड़ा आलिम जो शरीयत का सबसे बड़ा मुबल्लिग कहलाता उसमें कब्जा कर पूरी किताब लिखी है कि ये इस्माइली और शश इमामी थे और इन्होंने आगा खानी मजहब को फैलाने में कितनी खिदमत अंजाम दी, और पता भी नहीं चला हमारे मोमिनीन को कि इतना बड़ा हमारा आलिम मर्जे नहीं, ये जुमला कहते मर्जे नहीं, पूरी जिंदगी इल्मी एतबार से एक ही जगह इन्होंने शिकस्त खाई जब एक मर्जे के मुकाबले में आए, वो तो बड़ा दिलचस्प वाकया है, वो आपस के जो प्यार और मोहब्बत के झगड़े होते हैं, लोग कहते हैं मौलाना प्यार और मोहब्बत में भी झगड़ा होता है, यहां होता होता है प्यार मोहब्बत में झगड़ा, दो तो बहुत वादे इसकी मिसालें, अगर इतने शदीद गुस्से में तलाक दी जाए, मुझे मालूम है कि यहां का सिस्टम यह है कि खाने में नमक तेज हो गया तो तलाक नहीं है सिस्टम, लेकिन बारह रात जहां से आए भाई बच्चे तो मेरी मजलिस में आते नहीं है, जवान तो मेरी मजलिस में आते ही नहीं, कोई बुढ़े सुड्ढे लोग आते हैं कि जो ये माहौल देखे हुए, अब भूल जाए आप तो अलग बात है, आप कहें कि जी हमारे तो परदादा जिन्नत से सीधा हम यहां उतारे गए थे, हमें क्या पता पाकिस्तान इंडिया क्या, कोई अलग बात, लेकिन जो नस्ल याद है किसको, तो तलाक तो हमारे उलमा क्या कहते कि तलाक पहले तो इस बात पे गलत है कि गुस्से के आलम में इतने शदीद गुस्से के आलम में तलाक दी ही नहीं जाती, वहां से जवाब आता है कि तलाक तो दी ही गुस्से में जाती है, मोहब्बत में कौन तलाक देगा, ये गैर एतराज करते हैं कि क्या इतनी बातों में तलाक होती है, तो हाँ यही जवाब हमारा कि क्या गुस्से और प्यार के अलावा बीच में और कोई चीज नहीं, यही हमारी कौम का एक बड़ा मसला है, एक्सट्रीम या इतना शदीद गुस्सा या इतनी ज्यादा मोहब्बत, दरमियान वाला रास्ता भूल गए तलाक की पहली शर्त, वहां ये मसला कि बहुत ही शदीद अगर गुस्सा आ गया शौहर को बीवी को तलाक दे नहीं सकता। खैर ये मिसाल यहां के लिए मुनासिब नहीं है, दूसरी मिसाल सुनो, अगर कभी नमाज जमात शुरू होने वाली
और दो खजाना आके झगड़ा करने लगे कि मैं नमाज पढ़ाऊंगा या मैं नमाज पढ़ाऊं, हम तो कहेंगे दोनों ही नहीं पढ़ा सकते। जब झगड़ा हो गया तो अदालत कहां रही, किरदार कहां रहा, इमाम जमात हरे के नीचे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। नॉर्थ अमेरिका का मतबा होगा कि दाढ़ी मुंडा शेर पिया आदमी भी नमाज पढ़ा रहे, लोग नमाज पढ़ रहे, बेहिजाब औरत भी नमाज पढ़ा रही है, मर्द नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई मसला नहीं। तो अब ये किरदार जरूरी है, दो आलिम आगे एक ने कहा मैं पढ़ाऊंगा एक ने कहा मैं पढ़ाऊंगा, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि दोनों कैंसिल हो गए, क्या था दोनों है। अब देखो कि हम एक लिस्ट बताते हैं तरजीहात की में से कौन इस पे पूरा उतरता, अगर कोई इमाम रातिब है वो पढ़ाएगा, दूसरा उसके पीछे पढ़ेगा, कोई सैयद है तो पढ़ाएगा, गैर सैयद उसके पीछे पढ़ेगा, खैरत अच्छी है, ये नहीं कहा कि दोनों ही गलत हो, ताकि नहीं ये इल्मी झगड़ा ये सवाब का झगड़ा, जब ये वजन में वाकया हुआ कि नहीं हुआ, पैगंबर ने कहा था कि हर फैमिली से सिर्फ एक आदमी मैदान बदर में जाए, मुसलमान बहुत कम है, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि पूरी पूरी फैमिलियां खत्म हो जाए, हर फैमिली एक मेंबर के लिए, एक फैमिली में बाप बेटे में झगड़ा हो, बाप ने कहा मुझे जाना है जंग के बदर बहुत अहम, जब करबला का वाकया क्यों हुआ, ज़ियारत के आशूरा में भी है, दुआए नुतबा में भी है, आफादन बदरिया बदर का इंतकाम दिया गया, दरबार शाम में तो यजीद ने कह दिया कहा है मेरे बदर के बुजुर्ग, बदर बहुत अहम लड़ाई, पैगंबर ने कहा एक खानदान से एक आदमी, बाप और बेटे में झगड़ा हो, बाप ने कहा मुझे जाना है, बेटे ने कहा मुझे जाना है, आखिर मामला ये तय पाया कि कोड़ा डाला जाए, ये तारीख है फर्जी वाकयात नहीं है, कोड़ा डाला जाए, बेटे का नाम निकल आया, खुशी से वो दौड़ा, बाप ने रोक दिया, कहा बेटा मैं तेरा बाप हूं, तुझे हुक्म देता हूं कि तू नहीं जा मुझे जाने दे, बेटे ने कहा बाप का हुक्म माना जाता है जन्नत में जाने के लिए, जन्नत से रुकने के लिए बाप का हुक्म नहीं माना जाता, मुझे तो जन्नत चाहिए इसलिए मैं बदर के मैदान में जा रहा हूं। अब इस किस्म के झगड़े जो प्यार और मोहब्बत वाले ही झगड़े होते हैं, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का अल्लामा हिल्ली से, वो अल्लामा हिल्ली जो मशहूर है वो नहीं, उनके शागिर्द उनके मामू मुहक्किक़े हिल्ली, झगड़ा हुआ मर्जी जीता, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी हारे, मैं बता ही रहा हूं कि मर्जी ये तहरीक तो इतना उस लेवल पर है कि हम और आप बच्चे कच्चे क्या मुकाबला करेंगे, नसीरुद्दीन तूसी जैसा अजीम आलिम भी मर्जी के सामने नहीं फेंक सका, हमें पता ही नहीं कि मर्जी क्या, हर बच्चा खड़ा होता है यूट्यूब पे मर्जियत के खिलाफ एक तकरीर कर देगा, और अगर उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और एक्सेंट बहुत अच्छा है और अल्फाज बहुत है तो क्या कहना उसका, सरीहन मेंबर से कहा जाता है यह फतवा मेरी तो अकल में नहीं आ रहा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने वाला हमारा कोई नौजवान नहीं कह रहा, मेंबर पे जाके अंग्रेजी में तकरीर करने वाला खतीब कह रहा और मजमा बाबा कह रहा है, तो ये तो ऐसा मैंने कहा कि इरादा है कि कुछ बात होगी, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी जैसा अजीम, आज भी हमारी कितनी खवातीन जियारत पर जाती उन्हें ये शरफ और एजाज मिलता है, मासूमीन की जियारत तो बहुत ऊंचा रुतबा, उसके बाद ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी के कब्र की जियारत का मौका भी मिलता, मर्द महरूम रहते हैं ताजमहल के अंदर, जब से जड़ी के दो हिस्से हुए मर्दाना और जनाना, तो मर्दाने में शेख मुफीद की कब्र आ गई, जनाने में ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी की, तो खैर ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी जैसा अजीम आदमी तारीख तशय्यो में इनके मुकाबले में आपको शायद ही कोई और आलिम नजर आए सिवाय मर्जियत के मरहले, ज़ुहूर इमाम के हवाले से मैं बात कर रहा था, इन्होंने उस वक्त जब आज की आईसीएल की तरह इनके जमाने में वाकयात कोई नए नहीं है, तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन नास, कुरान कहता है कि वही एक जमाना है उसको घुमा घुमा के दोबारा लेके आते हैं, अंग्रेजी में भी शायद कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, या जो तंजीमें वही है ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी के जमाने में भी, और वहां भी शुरू नहीं हुई थी, ये सवाल मैंने उन बच्चों को किया जो अभी मजलिस में नहीं आ रहे कि उस आदमी को ढूंढिए उसके जमाने मौला के जमाने पहली ऐसी तंजीम बनी थी खारजी, तो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी के जमाने में उनका उतना ही जोर था जितना आज बगदाद में जो शियों का कत्लेआम होता,
तारीख उल्टी बढ़ाई जाती है। हराको खान ने हमला किया, इतने मुसलमान शहीद कर दिए कि उनके खून से 3 दिन तक दरिया जिगला का पानी रंगीन रहा, दरिया का पानी बहता रहता है, फ्लोइंग वाटर। मगर उससे पहले खुद बगदाद के गैर शिया हजरात ने कितने मोमिनीन को शहीद करके कितने दरियाओं का पानी रंगीन किया, उसे तो भूल जाते हैं लोग। और बात यहां पर आती, आइसन ने कितने लोगों को शहीद किया है भूल गए। आइसन में बीमारी हो रही है, वो कितने मारे जा रहे हैं वो गिनती बहुत याद है। आज 23 हो गए, कल 28 हो गए, परसों 83 हो गए। मुझे हजार मोमिनीन की जान और मोमिनात की इज्जत तो आप लोग खत्म हो रही है। तारीख हमेशा अधूरी बताई जाती है, लेकिन मैं बहुत बहक रहा हूं, आज कुछ ज्यादा ही बहक रहा हूं। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी उस जालिम हुक्मरान और उस जमाने की एक दहशतगर्द तंजीम, उसके खात्मे के एक खास दुआ बनाई, खुद बनाई और साहिबान ईमान से कहा कि दुआ पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और मदद हुई, कैसे मदद हुई, जो कुरान ने कहा कि अल्लाह बाज औकात एक जालिम का खात्मा दूसरे जालिम से करता है। जालिम ये भी है, जालिम वो भी है, लेकिन अल्लाह जालिम से जालिम का खात्मा करता। अब ये बात तो कहीं और जा रही है, तो वो जो दुरूद तूसी उसके बारे में उलमा में एक इख्तलाफ किया है कि क्या ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, उन्होंने पूरी की पूरी दुआ खुद बनाई है या उसका मरकजी ख्याल जो है वो मासूम की हदीस है, फिर उसको उन्होंने वजाहत के साथ कुछ जुमले और बढ़ा दिए। तो मेरे मोहतरम उस्ताद की यह तहकीक थी कि असल दुरूद तूसी इसका बैकग्राउंड भी मैंने इसलिए बताया कि जो आज का फितना है आइसल, बिल्कुल ऐसा ही फितना उस जमाने में आ चुका। और जैसे आज भी दुनिया के कुछ इलाकों में जालिम का खात्मा जालिम के जरिए से अल्लाह करा रहा, उसी तरह से ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी के जमाने में जालिम का खात्मा जालिम से कराया गया। और इतना तस्कीरा इसलिए भी आ गया कि अक्सर खवातीन जब काजमैन इमाम के रोजे की सियारत को जाती हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि ये जो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी की कब्र है और जरी नजर आ रही है, ये है कौन, तो ना कि इग्नोर करके आगे बढ़ जाती। अब बात जियारत के हवाले से तो खाली एक जुमला कि अगर इस अफीम आलिम की अजमत पता है तो आदमी के कदम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आज की बात, तो कहा गया कि इसकी बुनियाद असल में हमारे 10वें इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम, एक हदीस उसको फिर ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने हदीस है इमाम कुछ जुमले बढ़ा ऐसा दुरूद तूसी बनाया जो जालिमों से महफूज रहने, खाली महफूज रहना नहीं, जालिमों के खात्मे की बेहतरीन दुआ। और जैसा कि मैं अक्सर उन इलाके के लोगों को यह मशवरा देता हूं जहां पर यह दहशतगर्द तंजीमों का बहुत ज्यादा जोर, पाकिस्तान भी न सिर्फ ये कि उनका मरकज रह चुका है, क्वार्टर रह चुका, बल्कि अभी भी जो हुकूमत की तरफ से दबे अरबाज में ये जुमले आते हैं कि अगर ये आइसल पे ज्यादा बमबारी हुई, अभी तो हमको यही पता नहीं कि ये हो भी रही है कि कोई ड्रामाबाजी हो रही है, लेकिन कहा कि अगर ज्यादा हुई तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। क्यों? कहा कि फिर ये लोग वापिस पाकिस्तान आएंगे। वापिस का मतलब क्या? कहा गए यहां से थे, वहां बिजी हो गए तो जरा से हालात पाकिस्तान में ठीक हुए, जब वहां से निकाले जाएंगे तो फिर वापिस आएंगे, हमारे लिए मसला बनेगा। तो इसलिए मैंने कहा कुछ पाकिस्तानी चेहरे नजर आ रहे हैं, ये हमारे यहां हुकूमत की तरफ से ये बात आ रही। फिलहाल थोड़ा सा राहत व आराम का जमाना, और मुझे 2 साल पहले की अपनी मुलाकात याद, जब आयतुल्ला सिस्तानी से हमारी मुलाकात हुई, 1-to-1 नहीं है, कौन सा इतना बड़ा कि मुझे वो इतना वक्त है काफिले के साथ पाकिस्तानी काफिले, क्या जुमला कहा था, हम जैसी नस्ल के लोगों ने ये सवाल बार बार किया था और उस ट्रिप में भी किया था 2 साल पहले अप्रैल ईस्टर हॉलीडे, कि कब आखिर ये इम्तिहान हमारा खत्म होगा, हम लोगों को 30 साल हो गए, हमारी नस्ल तो 30 साल से भुगत रही है ये चीज। और उनका जवाब था कि अगले साल अप्रैल तक आप देखेंगे हालात कितने बदल, 90% जाहिर ये बाहर निकले, सबने कहा ये बुजुर्ग ने छोटों को तसल्ली देने के लिए कहा है, ऐसी बातें बहुत अरसे से सुन रहे हैं।
और वाकई हमने देखा कि अगले अप्रैल जो आया और पाकिस्तान की मिलिट्री जिनके लिए वीरता के वीर का वो शेर ही मुनासिब है, अब क्या करूं, वो शेर में लफ्ज भी इतना बेहूदा जमीन पर नहीं पड़ सकता, क्या है वीर सादा किस कदर हुए बीमार जिसके सब, और उस अगले मिसरे का मफहूम है कि उसी से दवा लेते, बीमार भी उसी ने डाला, दवा भी वही दे रहा है, लेकिन मर्जियत के विजन की बात मैंने इशारतन इसलिए आज तीन चार चीजें मर्जियत के हवाले से आई है जो आगे एक मजलिस बनेगी। फिलहाल मेरा मौजू कि जब ये हालात बहुत खराब होते हैं तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा मोमिनीन के काम आती है, गुरुदेव जो आईसेल का जो पहला ऑर्गेनाइज ग्रुप था 1000 साल पहले की बात है, 900 साल उस वक्त बगदाद में सामने आया, बगदाद शियों के महले के महले चलाए थे तब ये गुरुदी आ गए जिसमें उनको कितना फायदा पहुंचा है कि उन्हीं जालिमों के खून से दरियाए दिजला 3 दिन तक रंगीन था, और दूसरा जियारत वाले साहब, और फिर इस वक्त के जो दुनिया के हालात है जिसमें बाद मोमिनीन बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज क्यों रहते, ये भी हमारा दुश्मन वो भी हमारा दुश्मन, ये उसको मार रहा है इसकी हिमायत करें कि हिमायत ना करें, ऐसे वक्त पे मोमिन की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। मैं अशरा भी पढ़ सकता हूं लेकिन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा मौजू कुछ और, शरीफा कामिला ओनली 51 दुआ है, जाके लिस्ट देख लीजिए, चौथे इमाम की वो दुआ जो इस्लामी सरहदों की हिफाजत करने वालों के लिए दुआ, उसकी हेडिंग थी सरहदों के मुहाफिज के लिए दुआ, उसका तर्जमा और बेहतरीन अंग्रेजी इस किताब का तर्जमा भी हो चुका, वरना अमूमन अरबी किताबों का इंग्लिश तर्जमा उसकी इंग्लिश जो है ना वो स्टैंडर्ड की नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान से जो इंग्लिश सीख के आए वो तो पढ़ लेते हैं बच्चे जो है उसका मजाक उड़ाते, लेकिन ये ऐसी सही भाई थामिला पर वो दुआ पढ़ लीजिएगा आपको पूरी पॉलिसी समझ में आ जाएगी कि ऐसे मौकों में पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो दुरूद तूसी की बुनियाद जो हदीस वो ये, और बहुत मशहूर हदीस, यानी मुझे हदीस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मैं पढ़ना चाहता भी नहीं हूं क्योंकि उसका सिर्फ पहला ही जुमला मेरा आज का मौजू है, सिर्फ एक जुमला, लेकिन कितनी मशहूर है वो हदीस। मैंने ह्यूस्टन में ये जो इस वक्त 45 पढ़ रहा हूं इससे पहले के जो अशरे पढ़े उसमें एक अशरा था जो पहली रबी अव्वल से 8 रबी अव्वल तक था और 10वें और 11वें इमाम के हालात पर था क्योंकि 8वें 11वें इमाम की शहादत की तारीख, तो मैंने अर्ज किया कि इमाम जमाना के हवाले से अहम तरीन इमामत 10वें इमाम की, हर वो चीज जो गैबत में मोमिन को प्रोटेक्शन दे सकती है वो 10वें इमाम ने वो चीजें हमें और आपको बना के दी, पूरा खुम्स का निजाम, पूरा मरजहियत का निजाम और पूरा ये हिफाजत मोमिन की दुआएं। तो खैर वो तो पूरा अशरा मैंने पढ़ा था, आज जब तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं मजलिस को तो इस वक्त उधर जाने की का वक्त नहीं है, लेकिन उनमें से एक ही दुआ, क्यों किसी ने पूछा था कि मौला 10वें इमाम अहमद ताहिरीन में सबसे ज्यादा इमामत का वक्त किसको मिला, 10वें इमाम, 10वें और 7वें, इसमें जरा सा इख्तिलाफ है लेकिन इख्तिलाफ कितना है, चंद महीनों, महीनों के एतबार से इख्तिलाफ, 7वें इमाम की इमामत और 10वें इमाम की दोनों ऑलमोस्ट 35-35, 1.5 महीने का फर्क, तो आप कहेंगे कि ये फर्क के आज तो कैलकुलेटर एक मिनट में हिसाब हो जाए, नहीं, क्यों, विलादत और शहादत की तारीखों में फर्क आ रहा तो उसकी वजह से महीनों का फर्क हो गया, 6वें इमाम की शहादत जिस दिन है उसके बाद से 7वें की इमामत शुरू हुई है ना, तो 6वें की शहादत हम 15 रजब को माने वो भी कैलेंडर में, 15 शवाल को माने कितने महीने कम हो गए ज्यादा हो गए 7वें इमाम के, ये बातें तो मैं खुद भी बहुत मेरा दिल जलता कि क्या मैं फजूलियात में चला गया, लेकिन एतराज करने वालों को भी क्या करे अल्लाह भला करे, वो ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं। तो 10वें इमाम से कहा इतना 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 इमाम जमाना का जिक्र कर रहे हैं, जो लोग आगे मत इसके बाद आया माशाल्लाह बहुत लोग आ गए, पता नहीं कहां से आ गया, तो ये जो है उनकी समझ में शायद ये नहीं आ रहे कि 2-3 दिन से रसूलुल्लाह की रिसालत का तस्किरा हो रहा है, ये तो आज मौजूद ही कुछ और नहीं, उसी का
एक हिस्सा है। अभी देखिए मैं पहुंच गया उस हिस्से पर और शुरू में वजाहत मैंने कर दी थी। पूछा गया तो महाराज वो आखिरी इमाम जिसका इतना तस्किरा कर रहे, खाली तस्किरा नहीं बाकायदा इंस्टीट्यूशन बना बना के दसवां इमाम दे के जा रहा। खुम्स का निजाम, खुम्स के निजाम में सबसे बड़ी एक रुकावट आ सकती है और वो ये कि अगर इमाम खुम्स खुद रिसीव करे तो इमाम के बाद खैर मासूम को खुम्स देते वो मोमिन घबराए। हम तो इमामत के हाथ में देने के आदी हैं खुम्स और उनके ऊपर पूरा भरोसा है। ये लफ्ज भी गलत, ये खैर मासूम दसवें इमाम ने अपने होते हुए खुम्स से हाथ उठा लिया, गैर मासूम को मुकर्रर किया कि उसके पास जाओ खुम्स उसको। और 35 साल तक जब ये किया तो दो जनरेशन आधी हो गई मजहरियत। अब खुद इमाम के होते हुए कौन आदमी किसी और से मसला पूछे, दिल भी नहीं जाएगा अगर इमाम मौजूद है। दसवें इमाम ने अपने आप को बैकआउट कर दिया, जो मसला लेके आया उससे पूछो ताकि आदत पड़े लोगों को। और एक अजीब बात ना लगे कि जब इमाम के होते हुए हमको वहां भेजा जा रहा तो गैबत में ये सारा दसवें इमाम का रोल या कंट्रीब्यूशन। तो अब एक आदमी ने सवाल कर लिया, मौला मैं 30 साल से आपसे सुन रहा हूं इमाम 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 अपना पोता आपका पोता, तो मौला आखिर वो खुद वो कैसा हो? यानी निजाम सारे बना रहे हैं दसवें इमाम, बारहवें का इतना तस्करा नहीं कर रहे हैं, तो जरा वो भी तो बताइए कि वो कैसा होगा। दसवें इमाम मुस्कुराए और कहा कि अगर हमारे बुजुर्गों ने इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया, पहले अइम्मा ने तारुफ कराया, दसवें ने निजाम बनाया, लेकिन फिर भी कहा चलो सवाल किया तुमने, अब मुख्तसर से वक्त में जवाब देता हूं। वो जो मेरा बेटा जिसके बारे में तुम पूछ रहे हुआ साहिब दावत नबविया व सौलत हैदरिया व इस्मत फातिमिया व इल्म हसनिया व शजाअत हुसैनिया व सब्र सज्जादिया व आसार बाबरिया व मआसर जाफरिया व उलूम कादिमिया व हुजत रिजविया व जुद तकविया व नकात नकविया व हैबत अस्करिया व हैबत इलाहिया अल फाइब बिल हक व दाई इला सिदक अल मुतला। अल्लाह मेरा बेटा, तो तारुफ पूछा जा रहा है, एक जुमले में मुकम्मल तारुफ हो गया, एक जुमले में मुकम्मल तारुफ। अभी मैं कल घर की एक मजलिस में जुमला कह रहा था और वो ये कि बहुत पहले रसूलुल्लाह से भी पहले रोम बहुत बड़ी एक एम्पायर थी, रोमन एम्पायर और सिविलाइजेशन, चाइना बहुत बड़ी एक सिविलाइजेशन थी, चाइनीज बहुत तरक्की की, आज दुनिया की तरक्की की असर के लिए चीन बनो की बारूद पहले बनाया और कागज पहले याद क्या पता नहीं कितनी बात है। तो एक बार एक कंपटीशन इन दोनों में ज्यादा माहिर कौन, तो बहुत बड़ा हॉल दरमियान में पर्दा लगाया, एक दीवार चाइनीज को दी एक दीवार रोमन को, कहा आप अपना फन इसमें आजमाइए आप अपना फन उसमें आजमाइए। उस वक्त की दुनिया के एतबार से तरक्की यही है कि दीवारों पे नक्शकारी की जाए, तहरीरें लिखी जाए, तस्वीरें बनाई जाए, मुजस्मे बनाए जाए, यो जमाने का कमाल था, हर दौर में अलग अलग होता। 6 महीने का वक्त है बीच में पर्दा, कि पर्दा हटाएगा हमने सामने होंगे दोनों के कमाल देखेंगे अच्छा कौन सा। वो रोम वाले तो लग गए सुबह शाम दोपहर रात, अभी पढ़ के आया हूं कल किसी मजे बेहतरीन। आज भी आप जाइए रोम में और आज भी आप जाइए तो वेटिकन सिटी, कितने ऐसे शाहकार हैं माइकल एंजेलो और पता नहीं कौन कौन, पूरा उन्होंने अपना जोर रखा। चाइना वालों ने कुछ नहीं, सिर्फ बेहतरीन एक मेरा बनाया दीवार बेहतरीन। 6 महीने के बाद पर्दा हटाया गया, यहां बेहतरीन नक्शो निगार और गुल बूटे और सब कुछ कुछ नहीं, लेकिन इसका जो अक्स सामने पड़ रहा और वो आईना इतना खूबसूरत और ऐसा रिफ्लेक्शन दे रहा कि कुछ किए बगैर वो इससे बेहतर नजर आ रहा और उनको पहला इनाम मिलेगा। अब ये तो खैर ज्यादा बेहतर की बात है, मैं बराबरी की बात कर रहा हूं। बजाय इसके कि मेरा दसवां इमाम इमाम जमाना की अलग अलग खसूसियत बताता, कहता कि इमाम जमाना तो एक आईना समझो, इस आईने में नबी मुस्तफा भी नजर आएंगे, अली मुर्तजा भी नजर आएंगे, फातिमा ज़हरा भी नजर आएंगी, हसन हुसैन भी नजर आएंगे, 4 से 11 तक सब इस आईने में तुम्हें नजर आएंगे, जैसे ये 11-13 मिलकर है वैसा ये 12 अकेला। हां
आखिरा बना दिया और आखिरी लफ्ज तो ऐसा कि वजाहत चाहिए लेकिन वक्त नहीं है, जरूरत भी नहीं। वल्खैबतिलिलाहिया और वो गायब होगा अल्लाह की तरफ, कि अल्लाह नहीं है मगर है, नहीं है का मतलब नजर नहीं आ रहा मगर है अल्लाह। हर लम्हे हमारा वजूद अल्लाह का एहसान मंद है, एहसान भी तो आप दे रहे हैं, ये दलील है कि अल्लाह है और यही दलील है कि इमाम जमाना है, कि अगर ना रहे तो जमीन और आसमान तबाह हो जाएंगे, उसकी वजह से जमीन और आसमान बाकी है। वह वजूद ही सबीज है, इमाम जमाना के वजूद से आसमान और जमीन कायम है, तो ये तो गैबत इलाहिया है। लेकिन आ जाइए कि ये एक आकीना बना दिया। अब याद कीजिए पहली या दूसरी मजलिस मैंने जुमला कहा था कि आका हुसैन का जो तारुफ ज़ियारत अरबईन में हुआ, ज़ियारत अरबईन, तो उसमें जब विरासत की बात आई है तो ज़ियारत अरबईन ज़ियारत वारिसा से आगे बढ़ गई विरासत की बात। ये जुमला मैंने अभी अभी अर्ज किया कि ज़ियारत वारिसा में अस्सलाम अलैकुम या वारिसा दमन सबीलल्लाह नूह नबीलल्लाह इब्राहिम खलीलल्लाह मूसा कलीमल्लाह, यह विरासत में छह साल, और ज़ियारत अरबईन में आते तो मवारी सब अंबिया हुसैन मुहाजिर तमाम अंबिया की विरासत मिली है। ज़ियारत वारिसा में पांच छह नबी हैं और ज़ियारत अरबईन में 124,000 अंबिया का जिक्र है कि सबके वारिस हुसैन, तमाम अंबिया के वारिस हुसैन है और तमाम अइम्मा के वारिस जमाने का इमाम। इसी हदीस को मौजू बना के कितने आराम से कशरा पढ़ा जा सकता है, मैंने पढ़ा भी है जिंदा रहा और हालात की इजाजत देंगे तो दोबारा यहां भी पढ़ूंगा ह्यूस्टन के किसी इमाम बाड़े में। अभी सिर्फ एक बात, आगाज कहां से हुआ, हुआ साहिब दावत नबवी। इमाम समाना इसी तरह लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे जैसे रसूल खुदा बुलाते। रसूल खुदा का तरीका क्या है, यही तो दो दिन से बात चल रही थी, यही तो हमारा मौजू था। इसमें दरमियान की कड़ी करबला आई कि रसूल दीन बचा फैलाने के लिए माल औरतें बच्चे सबको मिलाए, हुसैन ने दीन बचाने के लिए सबको मिलाया और इस सिलसिले की सफर, ये जो एक सफर है तबलीग का, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम का, उसकी आखिरी मंजिल है जमाने का इमाम जो नबी की तरह दावत देगा। तो नबी की दावत किस तरह से है, यहीं से हमारा इमाम जमाना का मौजू बन गए। असल मौजू है नबी ने किस तरह दीन फैलाया, तभी तो सूरह आराफ और सूरह तौबा की आयतों को बदल बदल के हर मजलिस में तिलावत कर रहा हूं खुद में। ये तरीका, वो तरीका समझिए, इमाम का तरीका समझ में आ जाएगा, मगर बाकी बातें तो अभी बाद में होंगी। एक बात जो ऑलरेडी हो चुकी फिर सुन, इमाम कौन, साहिब दावत नबवी, नबी की तरह लोगों को दावत दीन देने वाले, ये रसूल, ये इमाम जमान। रसूल का तरीका क्या, एक बार अब तक आ चुकी है तीन चार मजलिसों, सबको मिला के चलना और जहां जरूरत नहीं है, यानी अल्लाह के रसूल को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, मशवरा लेता है वो आदमी जो या तो इल्म नहीं रखता किसी मसले, या कंफ्यूज होता है उसका जहन फैसला नहीं कर पाता। अल्लाह का रसूल इन तमाम चीजों से पाक हो पाकीज़ा, तो मशवरे की जरूरत नहीं है, अगर मशवरा लिया गया बार बार लिया गए। अब बजाय इसके कि मैं सैकड़ों बातें आप सुना दूं जो आप हर एक के जहन में है, इशारा करूं, जंग खंदक में खंदक खोदी ही गई सलमान फारसी के मशवरे पर, मशवरा मांगा ना, क्या रसूल नहीं जानते, जानते मगर वहीं के इन्वॉल्व करना है पूरे मन में। सलमान से मशवरा लिया, तमाम असाबे रसूल को हुक्म मिला के खंदक खोदने में अपना अपना हिस्सा शामिल करो, ये नबी की दावत का तरीका। क्या अकेला नबी खंदक नहीं खोद सकता, खुद सलमान फारसी पैगंबर के कैंप में आए कैसे, लग अच्छा नहीं लगा मुझे, पैगंबर के असाब में शामिल कैसे हुए। यहूदी आका ने कहा था 400 खजूर के ऐसे दरख्त चाहिए तो अभी अभी फल दे रहे हो, ताजा फल भी लगे अभी चाहिए अभी, इससे ज्यादा कोई मजाक उड़ा सकता है किसी आदमी। ये जंग खंदक से पहले की ये बात है ना, खंदक में तो सलमान आ चुके हैं मुसलमानों के कैंप, जंग खंदक जब खंदक खोदी जा रही भूख की वजह से, हर मुसलमान ने पेट में पत्थर बांधा है, रसूल खुदा ने दो पत्थर बांधे,
इस गुर्बत वाली कौम से ये कहना कि खजूर के 400 दरख्त चाहिए और बड़ी मेदार में सुना पैगंबर गए मोजिदे से 400 दरख्त उसी वक्त उगाए, एक पत्थर को ठोकर मारी वो सोना बना। हर आदमी ये वाकया जानता भी है, मानता भी है। मदीने में बाबे सलमान को सऊदी हुकूमत ने तबाह इसीलिए किया, जैसे आप करबला के लिए मुतवक्किल के जमाने में सुनते थे हल चलाने की कोशिश की, इतने हल चलवाए, बाकी सलमान तबाह करके सेकेंडरी स्कूल बना दिया ताकि जमीन भी लोगों की निकाल के चुप जाए। मगर सलमान के जंगे खंदक दिखाने से कुछ हफ्ते पहले पैगंबर ने मौजूदा दिखाया। खंदक में नहीं दिखा सकते थे, मौजूदा दिखा सकते थे, लेकिन वही बात कि सलमान का इस्लाम एक इंफिरादी वाकया, जंगे खंदक पूरे मुसलमानों का मसला, उसमें सबको इन्वॉल्व करना, यही तरीका नबी का जो अब तक आया। और भी कई चीजें हैं पैगंबर के तरीके में, वो सुनते जाइए, उसको इमाम जमाना से मैं कंपेयर करता जाऊंगा। फिलहाल आज की बात आज मुकम्मल हो जाए। और बोलिए कि लोग कहते हैं कि मौलाना इमाम कब है, अब तो ये निशानी पूरी हो गई, वो निशानी पूरी हो गई, वो निशानी पूरी हो गई। एक पहले मुख्तसर जवाब कही है कि सही मानों में अगर आप पूछिएगा तो एक भी निशानी पूरी नहीं हुई। अगर सही मानों में पूछिए आप नहीं हम पूछ रहे सही मानो, वो अभी मत पूछिए, वरना आप कंप्लेन करेंगे कि मौलाना ने बीत दे कभी ख्याल नहीं किया, दो घंटे ले ली तो जवाब दूंगा। सही मानों में पूछिए ना, मैं ये 40 साल से इमाम जमाना की निशानियां मिंबर पे बयान करता आ रहा हूं, कह रहा हूं कि सही मानों में पूछिए तो एक भी निशानी अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन वो एक तरफ है। असल बात तो आज के मौजू से मुताबिक इमाम कब आए, इमाम उस वक्त आए जब वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना ले जो इमाम को इसलिए चाहिए कि वो मोहताज नहीं है लेकिन अपने दादा की तरह अपने जद की तरह से दीन की दावत को फैलाना चाहते हैं, माशरे का हर तबका उनका साथ देने को तैयार हो जाए। जब हमारी कौम बेहतरीन इंजीनियर्स का एक ग्रुप हो, दीनदार दीनदार, बेहतरीन डॉक्टर्स का एक ग्रुप हो, खाली पैसा कमाने वाले नहीं, दीन की हमदर्दी और दीन की मोहब्बत रखने वाले, बेहतरीन अकाउंटेंट्स का एक ग्रुप हो, खाली शराब और सूद का कैलकुलेशन करने वाले नहीं, दीन की सही मानों में खिदमत करने वाले। अब जितने प्रोफेशन का ये नाम ले लूंगा, लेकिन टाइम भी नहीं जरूरत की, सब इमाम को चाहिए। इमाम को खाली मर्जी नहीं चाहिए, वहीं अपनी जगह, खाली उलमा नहीं चाहिए, खाली नमाजी नहीं चाहिए, नमाजी डॉक्टर भी चाहिए, खाली मुत्तकी नहीं चाहिए, मुत्तकी अकाउंटेंट भी चाहिए, खाली बेहजाब घर से निकलने वाली औरतें नहीं चाहिए, जैनब और रबाब की तरह खिदमत दीन करने वाली औरतें, ये काम हमें पहले करना, फिर इमाम है। इमाम चाहे तो उंगली के इशारे से जिसका दादा सूरज को पलटा दे, चाहे तो एक लम्हे में दुनिया को मुसलमान बना दे, अगर ये करना होता तो 1400 साल भी क्यों गुजरते, पैगंबर को 23 साल पत्थर क्यों खाना पड़ते, के खड़े होके कहते कुरैश को लोगों आ जाओ आ जाओ, एक इशारा करके सब कलमा पढ़ने में जाते, ऐसा कलमा अल्लाह को नहीं चाहिए। पूरे सिस्टम के जरिए से इस्लाम इंसान कबूल करे, इमाम इसका इंतजार करो। तो यह हमारे और आपके करने का काम है, और यह नबी की दावत का तरीका सबको मिलाना। जब तक कि हमारी फौज इस तरह से तैयार नहीं, तो इमाम कब आएंगे, मैं इसको एक और अंदाज से कहता हूं कि इमाम कहेंगे जब मुझे बुलाओ, तो मौला हमको बुला, ये बुलाना नहीं चाहिए, तैयारी के साथ बुलाना चाहिए, क्योंकि बगैर तैयारी के बुलाने वालों ने, बगैर तैयारी के बुलाने वालों ने कूफे में हमारे खानदान के साथ, कूफे में हमारे खानदान के साथ बगैर तैयारी के बुलाने वालों, इसमें वो खबीज भी शामिल था जो सबसे पैर तक मौला की मोहब्बत में डूबा हुआ था, और मैंने उसके लिए लफ्ज खबीज और लईन इस्तेमाल किया क्योंकि ये मजलिस के शुरू में बात गुजर चुकी,
एक घंटा हो चुका है, केवी टेस्ट की 3 दिन की मजलिसों में मुझे बड़ी एहतियात करना। ये बुलाने वालों में वो खबीर भी शामिल था जिससे ज्यादा अपने जमाने में मौला का कोई मौला ही नहीं और दूसरे जमाने में उससे बड़ा मौला का कोई दुश्मन नहीं। वक्त मजलिस का हो चुका है, सिर्फ एक जुमला कहें। आपको मालूम है कि इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों में एक नाम मरहबो अंतर कर, और ये कौन थे बच्चे? आपने तो इनका इनकी जवानी देखी ना, बच्चे जब थे तो कौन थे? इतने इनके वालिदैन को आखिरी रसूल का इंतजार था कि अपने इन बच्चों को वक्फ किया था कि बच्चे बड़े बहादुर लग रहे हैं, बड़े जानदार लग रहे हैं, ये तो आखिरी रसूल के काम आना चाहिए। वालिदैन ने अपने घर से निकाल के इनको खैबर भिजवा दिया और खैबर के हुक्मरान से कहा कि अच्छी ट्रेनिंग करो, ये रसूलुल्लाह के मददगार बने। वो मददगार बने या ऐसे दुश्मन बने? अरे एक मिसाल नहीं, कितनी मिसालें हैं। बुलाने वाले, इंतजार करने वाले, रसूल की खिदमत के लिए वक्त हो जाने वाले और बाद में क्या हुआ? एंटी क्लाइमेक्स। कूफे वाले सबसे ज्यादा मेरे मौला आका हुसैन को तकलीफ उन्होंने पहुंचा, जिन्होंने सबसे ज्यादा शिद्दत से बुलाया। बुलाने को तो आप जानते हैं, आपने सारे वाकया सुने। सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, ये जुमला मैंने कैसे कह दिया? ये जुमला मैंने उसी नोहा भी है इसके ऊपर, मर्सी भी बनाया गया है, कार पर नोहा बहुत पढ़ा भी जाता। ये उसी वाकये को जहन में रखते हुए पूरे कर्बला के वाकये में आका हुसैन ने वही तरीका इख्तियार किया जो रसूलुल्लाह का था, जो इमाम जमाना का होगा। मोजिजे के जरिए से न दीन फैलाना है न दीन बचाना, मोजिजा नहीं बीच में रहना। पूरे वाकई में कहीं मोजिजा नहीं आया, लेकिन एक जगह पे आया मोजिजा, यानी ऐसा मोजिजा जो अब आप नास की निगाहों के सामने हो सकता है कि शबे आशूर आका हुसैन की शहजादी सकीना के लिए कुआं खोदा भी, या खोदा नहीं हो तो पानी जारी किया। अगर वो मौजूदा अगर है भी तारीख में तो सिर्फ बाप और बेटी ने देखा, किसी और ने नहीं देखा। ऐसा मौजूदा के सारी खलकत वो देख रही है, सिर्फ एक मौका था बाजार कूफा। और वो कब? जब हुसैन के कटे सर ने नोके नैजा पर तिलावत शुरू कर मारा। ये मौजूदा है कटावा सर तिलावत करे, कितना बड़ा मौजूदा। अगर आपको मौजूदा दिखा नहीं कहा तो मौला ज्यादा मुनासिब जगह तो करबला के वास्ते का, चाहे वो कासिम के बदन के घोड़े हैं उनको रोक दिया जाता, हर मुला का 3 भाग का तीर हो उसका रुख बदल दिया जाता, मच के अब्बास को छेदने वाला तीर हो उसका डायरेक्शन चेंज किया जाता, अकबर के कलेजे में उतरने वाली बच्ची हो उसको रोक दिया जाता। मौला इतने बड़े बड़े वाक्य याद नहीं है? कूफा कहा कि हाँ हुसैन को सबसे ज्यादा तकलीफ कूफे में हो, जो सबसे ज्यादा बुलाने वाले हैं वही सबसे ज्यादा अजियत पहुंचाने वाले। और अजियत जो थी वो इस हवाले से थी कि जिस तरह से कूफे के लिए तमाशा मोहम्मद की बेटियों का तमाशा देख रहे। एक लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, पता नहीं सही है कि गलत, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उमर साहब को जल्दी थी कि काफिले को दरबार में ले जाए, इब्ने जियाद को ताखीर चाहिए थी कि काफिले को देर से ला। उमर साहब की जल्दी क्यों थी? उसको इनाम चाहिए, जितने जल्दी जाएगा दरबार में अपना कारनामा बताएगा उतने जल्दी इनाम देगा। और इसको इब्ने जियाद को देर क्यों है? दो वजूहत। पहला जुमला यह है कि अभी मेरे दरबार का डेकोरेशन इनकम्प्लीट, मोहम्मद की नवासियां जलते सूरज के नीचे कूफे की उस गर्मी में बेमहमिल और चादर के जलती रहे, वो कोई बात नहीं, मेरा दरबार इसकी सजावट मुकम्मल। और दूसरी बात कहता है क्या है उमर साहब, एक बार तू ऊंटों पे बिठा के ले आया, लोगों ने देखा, किसी ने देखा, किसी ने ना देखा, मेरा दिल नहीं मानेगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा जब कूफे का एक एक इंसान मोहम्मद की नवासियों अली और फातिमा की बेटियों का तमाशा अच्छी तरह से देखा। इतनी देर वो एक एक आदमी
वही शहजादियां जो 20 साल पहले शहर कूफा में अली के जमाने में शहजादी बन के बैठी थी, आज कैदी बन के बलवाया आबाशों का मजमा, इन दुश्मनों ने अहले बैत के तंज और ताने, हुसैन ने हर चीज बर्दाश्त की, मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकते, नो के नैजा में तिलावत की, सारा मजमा उधर चला, मगर मगर हुसैन का सब्र तो बहरहाल सबसे ज्यादा था, तिलावत करके मजमे को बुला लिया। अब्बास तो ये भी बर्दाश्त ना कर सका। रिवायत की है कि बादे करबला किसी ने आका सज्जाद से पूछा, मौला जब सारे सर कटे हुए सर नोके नैजा पे बंद हो रहे थे, एक सर था जो जितनी बार नोके नैजा पे लगाया गया वो जमीन करबला पे गिर पड़ा। उमर साहब को जल्दी है, उसने कहा खुली से क्या खुली, तो इसमें बहुत देर हो जाएगी, तू ये कटा सर अपने घोड़े की गर्दन में बांध। और वो कटा सर घोड़े की गर्दन में इस तरह बंधा कि चाहे करबला से कूफा जाना हो, चाहे कूफे से शाम जाना हो, जब ये काफिला चलता है और खुली का घोड़ा कहीं पर सर झुका के दौड़ता हो, तो गर्दन में बंधा हुआ ये सर सारे रास्ते जमीन से टकराता टकराता जख्मी होता होता बाजार शाम में पहुंचा। मौला वो किसका सर, मौला सज्जाद ने सर झुकाया, कहा वो मेरे चचा अबिल बंदेल अब्बास का कटा सर था। रानी ने कहा तो मौला हर सर बुलंद हो गया, ये क्यों बुलंद ना हो सका। आए सज्जाद एक चीज हमारी, तुझे क्या पता मेरा चचा कितना गैरतमंद, जिसने घर के शहर में कभी बहनों को खुले सर ना देखा, आज बाजारों और दरबारों में नोके नैजा से ये मंजर कैसे देखता, ना बहनों का मजमा है ज़ैनब के खुले बाल है, ये मंजर मेरा चचा बर्दाश्त ना कर सका। अफगानिस्तान हो के लबनान हो के इराक हो के पाकिस्तान हो या किसी और खत्ते में, खुदा बंदा इन सारे जालिमों को निस्तो नाबूद फरमा, क्रिया करने वालों की हवाई में शरिया को पूरा फरमा, खुदा बंदा इनके खानदान के तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमा, हम सबको सीरत के अहले बैत पे चलने की तौफीक जमाना में।